पलपल न्यूज के न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। 2019 करीब है और हिंदू मुसलमान की राजनीति अपने चरम सीमा पर है, क्योंकि इसके बगैर भारतीय जनता पार्टी की दाल गलने वाली नहीं है। अब एक खबर ये आ रही है उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 58 से, जहां खुले में नमाज को लेकर के विवाद खड़ा करना योगी सरकार ने शुरू कर दिया है। आखिरकार योगी सरकार मुस्लिमों से इतनी नफरत लिए बैठी है कि हर बात पर मुस्लिमों को टारगेट करके विवाद खड़ा करने की कोशिशें की जा रही हैं। कभी गाय के नाम पर, कभी नमाज को लेकर के, कभी तीन तलाक को लेकर के, तमाम उन मुद्दों में योगी सरकार उलझाना चाहती है ताकि मुद्दों से ध्यान भटके और जो मुद्दों के सवाल हैं उनके उनसे जवाब ना मांगे जा सके। सेक्टर 58 में खुले में नमाज पढ़ने को लेकर के कंपनियों ने मस्जिद में नोटिस भेजा है, जिसको लेकर के एक नया विवाद खड़ा हो गया है। और जो सेक्टर 58 अथॉरिटी की जगह में पार्क की जगह पर लोग खुले में नमाज पढ़ते हैं, उसे लेकर के विवाद खड़ा करना इस सरकार ने शुरू कर दिया है। इस पर ज्यादा ना बात करके चलिए देखते हैं कि आखिरकार ये माजरा क्या है। हरियाणा में खुले में नमाज पढ़ने के विवाद के बाद अब उत्तर प्रदेश के हाईटेक सिटी नोएडा में भी पुलिस ने पार्क में जुमे की नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है। गौतम बुद्ध नगर के एसएसपी अजय पाल शर्मा ने एक नोटिस जारी कर नोएडा सेक्टर 58 औद्योगिक क्षेत्र स्थित कंपनियों को पत्र लिखकर कर्मचारियों से खुले में नमाज पढ़ने से बचने की सलाह दी है। जिले की पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पुलिस कर्मचारी जुमे की नमाज पार्क जैसे खुले एरिया में ना पढ़ें। पुलिस की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि यदि किसी औद्योगिक संस्थान के कर्मचारी निर्देश का उल्लंघन करते हुए पाए गए तो इसके लिए संबंधित कंपनियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इस नोटिस में लिखा गया है कि सेक्टर 58 स्थित अथॉरिटी के पार्क में नमाज पढ़ने या किसी भी धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं है। इस संबंध में मुस्लिम समुदाय की ओर से डीएम की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन इस पर उन्हें किसी भी तरह की अनुमति नहीं दी गई है। ऐसे में यहाँ पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती, लिहाजा जिले की पुलिस ने इलाके कंपनियों को नोटिस जारी कर कर्मचारियों को नमाज पढ़ने से रोकने के लिए कहा गया है। हालांकि कंपनियों ने मामले में स्पष्टीकरण के लिए नोएडा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की मांग की है। गौरतलब है कि पुलिस ने अपनी ओर से जारी पत्र में लिखा है कि अक्सर ऐसा देखने में आया है कि अपने कंपनियों के मुस्लिम कर्मचारी पार्क में एकत्रित होकर नमाज पढ़ने आते हैं, जिनको पार्क की सामूहिक रूप से HLO द्वारा मना किया गया है एवं उनके द्वारा दिए गए नगर मजिस्ट्रेट महोदय के प्रार्थना पत्र पर किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी गई है। लिहाजा आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप स्तर पर समस्त मुस्लिम कर्मचारियों को अवगत कराएंगे और नमाज पढ़ने के लिए पार्क में नहीं जाने देंगे। अगर इसके बाद भी कर्मचारी नमाज पढ़ने आते हैं तो ये समझा जाएगा कि कंपनी कर्मचारियों से अवगत नहीं करा रही और इसके लिए व्यक्तिगत तौर पर कंपनी ही जिम्मेदार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पलपल न्यूज़।